गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर है स्कूटी और आज से मेरी भाई सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर की थर्ड पेपर जा रहा हूँ देने। चलते हैं गाइस अभी यहाँ से। गाइस बाम बार कर रहे हैं वो टूर्नामेंट के लिए फील्ड प्रिपेयर, इतने आएंगे तो देखेंगे या नहीं। आज ना गाइस पेट्रोल पूरा फिलअप करके जाएंगे, आधा है ख़त्म हो जाएगा तो परेशान होना पड़ेगा, फिलअप करके ही जाएंगे। हाँ भाई उतना ही है तो वीडियो करो थी। भाई कुछ आएगा है भाई, कुछ निकलेगा या नहीं? तुम्हारा गोल्ड कॉइन निकलेगा नीचे से, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भेजा। तो गाइस रिलायंस वाला ना ऐसे ही व्यवहार को बनाते हैं, आज पेट्रोल फिलअप करने के नाम पे हम जाते हैं और भाई क्या भाई लॉटरी उठेगा, ये उठेगा, वो उठेगा, इसी भाई लालच की वजह से हम चले जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं उठता, पंप उठ जाता है, बिल दे देते, लेकिन एक नंबर उठेगा और बिल मिल जाएगा आपको, लेकिन कुछ नहीं उठेगा। मुझे पता है इस तरह जियो वाले प्रॉपर्ट बना रहे हैं। भाई मेरा तो कुछ उठा ले भाई, पेट्रोल फिलअप करके चलते हैं भाई की तरफ। सो दैट तो भाई सुबह सुबह ना ड्राइव करने का एक ही फायदा है, बिल्कुल आपको ट्रैफिक नहीं दिखेगी और आप बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। देख सकते ना रोड पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। अब गाइस पिपली ओवरब्रिज खत्म, अब एंटर करके खुर्दा वाले रोड सीधा जाना है यहाँ से हमें खुर्दा और राइट तो भुवनेश्वर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइस आपको बता दूं पहुंच गया खुर्दा और टाइम सिर्फ 10:30 नहीं गाइस 10:10 हुआ है, मतलब सिर्फ एक घंटा या 10 मिनट लगा मुझे आज खुर्दा पहुंचने में। फाइनली गाइस पहुंच गया, पता नहीं यार इतनी जल्द आज कैसे पहुंच गया। गाड़ी मैंने स्लो चलाई थी, ज़्यादा तेज़ नहीं चला था। आपके 5G कितना चला सकता हूँ? मैक्सिमम 60 और ये होम्स वाले रोड में तो 40, 30, 30, 20 ऐसे होता रहता है। और बस पहुँच गया आज गाइस आगे खुर्दा फ्लाई ओवर। 5 minutes later तो गाइस अभी फाइनली पहुँच गया हॉस्टल में। टाइम देख सकते हैं 10:20 आ, तो भाई बहुत जल्द पहुँच गया, पता नहीं यार मैं तो स्लो चला रहा था कैसे पहुँच गया। चलते हैं रूम में और थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे एग्जाम देने। देख लो टाइम अभी 10:20 हुआ है। बहुत दिन के बाद कॉलेज की छत के ऊपर, धूप बिल्कुल नहीं पड़ रही इसलिए आ गया था थोड़ा घूमने। भाई अच्छी लग रही है यहाँ पर, फ्रेश एयर आ रही है और भाई एनवायरनमेंट ना है कि मस्त है। देखो गाइस यहाँ पर कितने सारे चंपा के फूल, ये कुत्ता इतना बड़ा हो गया फिर भी मुझे पहचान भाई मुझे पहचान दाई देख सकते ना, बड़ा हो गया मैं इसको पहचाने पर, लेकिन ऐसा हो रहा है तो मैं समझ गया ये अपने ही छोटी वाली कुत्ता। देख सकते क्या हैंडशेक कर रहा है, हैंडशेक ये गाइस हॉस्टल वाली चप्पल है। क्यों चलो कम देखो हैंड से कर रहे हाय 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 छू। यहाँ से आपको पूरा बौरनी माउंटेन दिख रही होगी, देखो 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 पीछे क्या, देखो देखो ये तो भाई मेरे पीछे नहीं छोड़ा ना, बरुणी माउंटेन पूरा आपको दिख रही है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये कुछ बरुणी माउंटेन यहाँ से इस तरह दिखती है, हॉस्टल यहाँ है और माउंटेन यहाँ है और मेरा गाड़ी ना इसके अंदर पार्क है। जैसे ये मेरा हॉस्टल है और ये है कॉलेज और एक कॉलेज की प्लेग्राउंड और यहाँ पर बरुणी माउंटेन और NH 16 ये सब कुछ बिल्कुल पास है ये हॉस्टल के पास में। खुर्दा की एक खास बात है भाई, गर्मी का पहना शुरुआत हो गया भाई, हवा यहाँ पर ना बहुत तेज़ भाई बहती है, लेकिन भाई पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हवा ना यहाँ पर भाई जब भी आओ अभी तो थोड़ी थोड़ी, लेकिन हवा यहाँ पर बहुत तेज़ बहता है भाई। क्या है ये भाई, जहाँ जाओ कुत्ता पीछे नहीं छिड़ते, रिश्तेदार समझते हैं, देख सकते हैं किस तरह बोल लेट रहा है। अच्छी बात है ये साफ हो गया, इसके अंदर हम घूम सकते हैं ना, कितना बड़ा ही लगा है, अच्छी लग रही है साफ होने के बाद ये पूरा। क्या बना है ये पॉपकॉर्न? दे भाई
बस बस हो गया। अदर घंटा हाँ हो गया। हो चुका हूँ एग्जाम के लिए रेडी। अब भी खाना खा लिया और थोड़ा कुछ पढ़ाई कर ली। पढ़ाई तो नहीं की, बस सो रहा था थोड़ा। उसके बाद अब भी देख सकते हैं मुँह भर कर जा रहा हूँ एग्जाम देने। टाइम भाई 1:05 या 6 रह गए। ये बंदा ना हमेशा लेट करता है भाई, क्या कर रहा था पता नहीं। अरे भाई क्या कर रहे थे, इतना लेट हो गया, 5 रह गया यार। तो भाई जब भी पहुँच गए हैं कॉलेज के गेट के पास, चलते हैं अंदर। काफ़ी लेट हो चुके हैं पहले से ही। चलते हैं अंदर। धूप भाई तेज हो रहा है। आज कोई भी नहीं भाई। तो वहाँ पर तो हमेशा की तरह चल रहा है चेकिंग, और यहाँ पर हम दोनों जा रहे हैं। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। चलते हैं अंदर ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए। इतने अच्छे थे कि हमें जाने दिया। काफ़ी लेट हो चुका है। एग्जाम देख कर आपको मिलते हैं, बैग तो होते हैं रूम में, चलते हैं। 2000 years later. एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम तो अच्छा हुआ, कुछ नेचुरल फेनोमेना है। सरोज कहाँ है? सरोज आ रहा, कुछ और लिख रहा है। भाई मैं तेरे लिए वेट करते करते ऊपर ही आ गया, और तू क्या लिख रहा है भाई इतना टाइम, और एडिशनल भी आज ले लिया। ले तेरा फोन ले भाई, घर जाना है मुझे। ले भाई तेरा फोन ले जा। एग्जाम हो चुका है खत्म। भाई तो इतना लिख रहा था, डिपार्टमेंट से ऊपर में आया एग्जाम जहाँ पर दे रहा था। अच्छा नहीं यार, गाइस बंदे ने एडिशनल भी आज लिया है क्या भाई? इतना क्या लिख रहा था? अच्छा भाई मेरा खत्म नहीं हुआ अभी भी। तू कितना लिख रहे है? किसी ने सोची ना होगी। लेजेंड ब्रो भाई सब लिख लिया ना, टॉपर इस बार ना। अच्छा इस तरह ब्यूटीफुल फ्लावर्स गाइस। दोनों आगे जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से चलते हुए। गाइस अभी जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से डायरेक्ट घर, और सिक्योरिटी हमेशा यहाँ पर रहती है। ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा। गाइज एक्चुअली क्या है ना, आज हमारा टोटल 6 का 4 पेपर खत्म हो जाता है, लेकिन गेट एग्जाम की वजह से एक एग्जाम पोस्टपोन हुआ। सही बोला ना भाई? तूने दिया था गेट एग्जाम? नहीं मैंने कब दिया था। ये से देने वाला है ना भाई? कुछ नहीं देने वाला, मैं तो सारी बंदा हूँ, मुझे थोड़ी ना कुछ आता है। अब तो सिर्फ ब्लॉगिंग करता हूँ। चल भाई हैप्पी महाशिवरात्रि, इतना मुश्किल ना मत। और भाई क्या बोल सकता हूँ, चल भाई मैं तो जा रहा हूँ एम्बर डायरेक्ट गाँव, और यहाँ पर एंजॉय करना थोड़ा, महादेव के मंदिर में जाकर दर्शन कर देना। चलते हैं गाइज अभी यहाँ से। एग्जाम कैसा हुआ? चल रहा है ठीक ठाक। इस बार तो अच्छा हुआ, दोनों सेमेस्टर अच्छा। 2 पेपर से ज़्यादा पक्का। आप टॉपर? टॉपर नहीं बन सकता। अच्छा अच्छा, एक टॉपर तो है डिपार्टमेंट में, और दूसरा ठीक है। गाइज चलते हैं अभी यहाँ से। भाई का तो एग्जाम ठीक ठाक हुआ, 2 एडिशनल दिया है, हर रोज लेता है, मैं तो कभी नहीं लेता। चलते हैं गाइज अभी यहाँ से। टाइम हो चुका है 4:05, लेकिन धूप देख सकते हैं ना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। भाई बोला भाई मैं जाऊँगा ना तो ख़त्म होना चाहिए ना। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है बिल्कुल 4:20। भाई चलते हैं यहाँ से, हेलमेट डालते हैं और अपना स्कूटी लेते हैं, इसके अंदर से चलते हैं। भाई कुछ टाइम में यूनिफॉर्म चेंज करके जा रहा हूँ मैं। मेरी स्कूटी तो ये सेकंड वाली है, चलते हैं इसको लेकर यहाँ से। जब फाइनली चलते हैं उधर से। टाइम 4:30 हो चुका है, क्या 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है कितना ट्रैफिक के हिसाब से। चलते हैं फाइनली अभी यहाँ से। और ये जटणी नाइट चार, तो ये सोमनाथ टेम्पल यहाँ पर। कितनी सारी गाय चल रही है, देख सकते हैं सोमनाथ टेम्पल यहाँ पर। गाइस नाउ फाइनली मैं पहुंच गया पिपली ओवर ब्रिज के पास, अब जाएंगे यहाँ से घर। तो गाइस जब हमेशा खोर्धा से आते टाइम इस ससाई साला बॉस को देखता हूँ, आज भी देखा, लेकिन आज लगता है बॉस लेट है या मैं जल्द पहुँच गया, यही पता नहीं चल रहा है। 2 hours later गाइस पहुँच गया निमा पड़ा पड़ा, इस दुकान में आया था, लेकिन यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है। भाई नमस्ते। जय जगन्नाथ।
गया था आसपास। हेलमेट बैग जूता लड़की पकड़ने के लिए गया था क्या? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बहुत टाइम के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर दुकान के पास। भाई तेरे पास कुछ खाने के लिए है? सब कुछ है। क्या खाना है? कुछ नहीं खाना है, कुछ मुफ्त में मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम इतना सूट बूट हो के किधर गए थे? लैटिन लैटिन गया था। हेलमेट जरूर ना हमारे गर्लफ्रेंड पर, तुम्हें हम तो ऐसे सिंगल लोग हैं। तुम्हारी नजर में कोई है तो, तुम्हारी नजर में कोई हो तो ढूंढ लो। नहीं नहीं कोई नहीं, तुम सिंगल हो मेरे को लगता नहीं है। लगता नहीं तो नहीं लगता, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। गजब बेइज्जती है। चलता हूँ यहाँ से, काफी देर 5:30 हो चुका है, एक घंटा लगा मुझे। चलते हैं। कहाँ गया था रे? एक घंटा लग गया भाई, बोला ना लैटिन गया था। लैटिन में एक घंटे के लिए नहीं, किसी लड़की को लेकर डेट पर गया था। आज बोल रहा है ना, ठीक है भाई, जो तुम समझो, जो तुम समझो, हम चलते हैं अभी यहाँ। ओके कैरी ऑन। गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ गांव पे, डायरेक्ट जींस उतार के जा रहा हूँ अभी मैच देखने। वहाँ पर चले टूर्नामेंट, पता नहीं फाइनल चल रही है या सेमीफाइनल। चलते हैं और इस वहाँ पर पहुंच कर आपको दिखाते हैं। सब कुछ खत्म हो गया यार, देख सकते ना, सब कुछ खत्म हो गया। मैं पहुँचते अरे भाई मैच हो रहा था, टूर्नामेंट अब जीता है यार। हाँ एंड लास्ट में पहुंच गए हैं पार्क में। टूर्नामेंट तो मैंने नहीं देख पाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। एग्जाम में सब कुछ खत्म नहीं हुआ, एक और पेपर बाकी है, जाएगा संडे। तो क्या नाचोगे? बस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।